हेलो नमस्ते, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ विन ट्रेडर। आज मैं आपको लाइव दिखाने जा रहे विंडोडो का लेटेस्ट वर्जन 8.1 एंड इसमें अभी मैंने ओपन किया है एल एंड टी का चार्ट, ये इंट्राडे चार्ट है। तो इसमें आप ऊपर देख सकते हैं 1536.45 ऊपर जो है वो करंट मार्केट रेट है। इसमें जो हम ऐड करते हैं चाहे वो MCX होगा या NSE का कैश फ्यूचर ऑप्शन करेंसीज या अग्री या कॉमेक्स फॉरेक्स जो भी हम ऐड करते हैं वो सभी का लाइव मार्केट रेट यहाँ लाइव मार्केट रेट यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स वी आर यूजिंग रियल टाइम डाटा, उस डाटा में कोई डिले नहीं है, इट्स रियल टाइम टिक बाई टिक डाटा। एंड हमारा सॉफ्टवेयर और मेजर फिनेंशियल मार्केट को भी सपोर्ट करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर जो सिग्नल देते हैं बाय सेल सिग्नल, वो हर सिग्नल पर हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सिग्नल सॉफ्टवेयर ने एक सिग्नल दिया तो वहां पे हमें चेक करने का ऑप्शन है वेदर दो सॉफ्टवेयर ने जो सिग्नल दिया है वो कंफर्म है या नहीं। कंफर्मेशन चेक करने के बाद ही हमें ट्रेड लेना होगा। जैसे आप अभी देख सकते हैं LND में लास्ट हमें एक सेल सिग्नल मिला था एंड सेल सिग्नल जैसे ये बाय एंड सेल सिग्नल आते हैं सेम टाइम पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, हमारा सिस्टम में एक अलर्ट मैसेज आएगा वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। अब वो अलर्ट मैसेज में भी लिखा हुआ आ जाएगा प्राइस है एंट्री पॉइंट एंड सेम आप ऊपर भी देख सकते हैं ऊपर का डैशबोर्ड में भी लिखा हुआ आ जाएगा सेल सिग्नल में मिला 1547.85 एंड द टाइम इज 10:55 आज की डेट पे मिला था एंड करंट मार्केट रेट के हिसाब से कितनी पॉइंट प्रॉफिट है वो भी आ जाएगा। टारगेट के हिसाब से नहीं है, अभी मार्केट रेट के हिसाब से 11 पॉइंट्स पॉइंट प्रॉफिट में। आप स्टेटस में देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने जो टारगेट दिया था ये सिग्नल के हिसाब से सेल सिग्नल के हिसाब से वो तीनों अचीव हो गया। तो अभी हम चेक करते हैं ये सेल सिग्नल और बाय सिग्नल मिलने के बाद कंफर्मेशन कैसे चेक करते हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं एक्टिव जो सिग्नल है सेल ही है, तो जो जिस कैंडल के ऊपर सिग्नल आते हैं ना वो हमें जो एंट्री करना होगा नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि हमारा जो एंट्री पॉइंट है 4785 वो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग रेट है। तो वहां पे हम एंट्री करने से पहले हमें दो कंफर्मेशन चेक करना होगा। उसमें फर्स्ट कंफर्मेशन आप सीधे नीचे देखिए प्राइस यहाँ पे सेल्स ऑन करके लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि हम जो फॉलो कर रहे हैं सेल सिग्नल है। तो सेल का फर्स्ट कंफर्मेशन प्राइस यहाँ पे सेल्स ऑन करके लिखा हुआ आना चाहिए एंड द सेकंड कैंडल के नीचे का बार ये कंफर्मेशन बार है, नीचे जो बॉटम बार है ना वो हमारा कंफर्मेशन बार है, वो बार का कलर रेड आना चाहिए। वो दो पैरामीटर हमें कंफर्म करना होगा, प्राइस इन सेल जोन एंड द बार कंफर्मेशन। ये दोनों पैरामीटर कंफर्म होगा तो डायरेक्ट हम ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट रेट पे ट्रेड ले सकते हैं। तो नीचे इसके हिसाब से स्टॉप लॉस आ जाएगा, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है एंड बाजू में आप देख सकते हैं टारगेट 1, 2 एंड 3 तीनों टारगेट भी आ जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रेड लिया, कन्फर्मेशन सभी चेक करने के बाद हमने ट्रेड लिया और हमारा टारगेट पे हमने एक्सिट भी किया। एक्सिट करने के बाद मार्केट समटाइम्स ये मार्केट इतना अच्छा ट्रेंडी मार्केट होगा तो वो सिग्नल काफ़ी कंटिन्यू चलेगा, मीन्स हमारा टारगेट अचीव होने के बाद भी सेम सिग्नल कंटिन्यू चलेगा। लेकिन हमने एक्सिट किया, हमारा टारगेट पे हमने एक्सिट किया, लेकिन सॉफ्ट हमें एक वहाँ पे एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देगा री एंट्री के साथ। मीन्स री एंट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं री एंट्री सजेशन में री एंट्री लिखा हुआ आ जाएगा। री एंट्री मीन्स एक सेपरेट फ्रेश एक एंट्री पॉइंट भी आपको मिलेगा एंड एक टारगेट भी मिलेगा, तो वहां पे हम री एंटर कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कलर्स आ रहे हैं, रेड येलो दैट लाइट ब्लू ऑरेंज कलर, ये सभी वो साइडवे का इंडिकेशन दे रहे हैं। मींस मार्केट अगर साइडवे होगा तो ऑटोमेटिक एक्चुअली इसके अंदर हम कैंडलस्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, बार चार्ट है। तो बार का नॉर्मल कलर रेड एंड ग्रीन है, तो ये रेड एंड ग्रीन के अलावा आप इसमें कुछ कलर्स देख सकते हैं जैसे लाइट ब्लू ऑरेंज कलर वाइट कैंडल MD कैंडल, ये सभी साइडवे का इंडिकेशन है। तो नॉर्मल एक कैंडलस्टिक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका इंडिकेशन आपको मिलेगा, इसलिए हम बार चार्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप कैंडलस्टिक प्रिफर कर रहे हो तो कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करने का ऑप्शन हमने दिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड स्टार्स है एंड नीचे एक येलो स्टार्स है। ये रेड स्टार्स रेसिस्टेंट लेवल है एंड येलो ज़्यादा सपोर्ट लेवल, दैट मीन्स ये जो कैंडल है जो फॉर्म हो रहा है वो पूरी तरह ब्रेक करके हमारा जो रेसिस्टेंट लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, उसी तरह सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे गया तो मार्केट नीचे जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक येलो लाइन एंड नीचे एक ब्लू लाइन, वो हमारा रेंज बोन इंडिकेटर है, रेंज को इंडिकेट कर रहा है। एंड अभी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ हमारा रनिंग स्कैनर है, स्कैनर 1.2, इसके अंदर हम जो ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके इसमें सिग्नल देगा हमें जो चाहिए। अगर आप कमोडिटीज एंड निफ्टी NSE में दोनों में ट्रेड करते हैं तो आप इसमें जो आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, जो आप जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो जो हम ऐड करते हैं ना ऑटोमेटिकली स्कैन करके इसमें सिग्नल देगा, वो भी एट प्रेजेंट जो स्कैनर हम यूज़ कर रहे हैं स्कैनर का सेकंड वर्जन है, तो उसमें ना थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल जनरेट करके आते हैं। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल मीन्स फर्स्ट इसमें आप
आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा। डायरेक्ट एंट्री मीन्स एरो के साथ जो सिग्नल आते हैं इसको हम डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको री एंट्री के बारे में बताया, तो सेम री एंट्री आपको स्कैनर में भी मिलेगा। थर्ड वन आप देख सकते हैं बीच में एक लाइन जा रहा है ना, रेड एंड ग्रीन लाइन, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। समटाइम्स ये ट्रेंड लाइन चेंज होते टाइम पे स्कैनर हमें सिग्नल का इंडिकेशन देगा बाय यूजिंग ट्रेंड लाइन। लेकिन ये ट्रेंड लाइन सिग्नल है ना, ट्रेंड लाइन यूजिंग सिग्नल समटाइम्स रिस्की होगा, तो वो बेटर है कि वो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड जो भी सिग्नल आते हैं ना, सॉरी स्कैनर के डैशबोर्ड में राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ आ जाएगा, सेम टाइम पे पॉपअप मैसेज भी मिलेगा। तो ट्रेड करने से पहले आपको जस्ट डायरेक्ट चार्ट यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन है। चार्ट ओपन करके देखिए वेदर जो सॉफ्टवेयर ने जो सिग्नल दिया वो कन्फर्म है या नहीं, कन्फर्म है तो ट्रेड ले सकते, नहीं तो नहीं करना चाहिए। एंड हमारे एक ही सॉफ्टवेयर आप इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पोजिशन ट्रेड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारा सॉफ्टवेयर ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। अभी मैंने एनएससी का एलएनडी का फ्यूचर चार्ट ओपन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनजी का चार्ट है, कमोडिटी का चार्ट है, वो भी मैंने पोजीशन ट्रेड के हिसाब से सेट किया है। तो ऊपर आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया है, तो आप वो टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजीशन ट्रेड होगा तो पोजीशन ट्रेड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इंट्राडे होगा तो इंट्राडे के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। एंड अभी जो रनिंग वर्जन हमारा चल रहा है 8.1, एक्चुअली सॉफ्टवेयर 2009 से हम मार्केटिंग कर रहे हैं एंड अपडेशन भी करके देते हैं। तो रनिंग वर्जन 8.1 एंड स्कैनर 1.2 है, तो नेक्स्ट वर्जन हमारा 9.0 एंड द स्कैनर 1.3 है। तो जो हम जो अभी हमारे कस्टमर्स हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, उसका अपडेशन फुल फ्री है, टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग भी मिलेगा। सॉफ्टवेयर जो पेमेंट हम ले रहे हैं वन टाइम है एंड अपडेशन का कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे। अभी मैंने आपको ये दिखाया ना, वो अगर आप लाइव देखना चाहते हैं या अगर आप कुछ डाउट है आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई नेम इज़ गंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9061973737 पे। अगर आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारा वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, winTradersoft.com। थैंक यू।